वेलकम टू माई चैनल दैट क्लैम कर्ल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इफेक्टिव एंड परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ योर स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आपको पता है स्ट्रेच मार्क्स लोगों को काफ़ी सारे रीजंस, काफ़ी सारे कारणों की वजह से हो जाते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हो सकते हैं। मेरा रीज़न था जैसे मुझे स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं, जैसे वेट लॉस, मैंने काफ़ी सारा वेट लॉस किया था उससे मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे। लाइक मैंने 5 to 10 kgs वेट लॉस किया था, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे मेरी आर्म्स में और मेरे थाइज में स्ट्रेच मार्क्स। तो उससे क्या होता है, उसको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने कुछ रेमेडीज डिस्कवर करी थी जिससे स्ट्रेच मार्क्स रिमूव किए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने का कॉज क्या होता है, और वीडियो के एंड में मैं ये भी शेयर करूंगी कि जो लोग हैं जिनको अभी तक स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन में हो, उनको लगता है कि उनको फ्यूचर में स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको क्या करना चाहिए, वो भी रेमेडी फॉलो करनी चाहिए जो मैं अभी वीडियो में शेयर करूंगी। इन लोगों के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगी, पर अभी देख लेते हैं कि जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हो रखे हैं वो स्ट्रेच मार्क्स से बहुत परेशान है, चाहे कितने भी ईयर्स पुराने हों आपके स्ट्रेच मार्क्स, ये रेमेडी डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। स्ट्रेच मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं देते हैं, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन काफ़ी सारी स्ट्रेच हो जाती है, उसके बाद एकदम से जब वो लूज होती है, एकदम से जब मतलब वो श्रिंक हो जाती है आपकी स्किन, तो उसमें वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं और दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। वी ऑल नो दैट, पर डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस हैं अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। मैं अपने चैनल पर कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 2-3 दिन में स्ट्रेच मार्क्स रिमूव हो जाएंगे, डेफिनेटली इट विल टेक 1 to 2 months, आपको ये रेमेडी रेगुलरली फॉलो करनी पड़ेगी, बट इट इज़ 100% इफेक्टिव। सो इस रेमेडी के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होगा वो है विटामिन ई ऑयल। हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल्स, आप देख सकते हैं मैं इन कैप्सूल को काफ़ी अच्छा यूज़ करती हूँ, उनके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए काफ़ी सारे होते हैं। तो विटामिन ई कैप्सूल्स के लिए आपको क्या करना है, आपको विटामिन ई कैप्सूल्स लेनी है। इवियन 400 के नेम से आती हैं, ये मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, आपको यही कैप्सूल्स लेनी है। आपको कोई भी मार्केट के जो विटामिन ई ऑयल्स होते हैं वो नहीं लेने, क्योंकि वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितनी ये कैप्सूल्स होती हैं। और मैं आपके सामने जो दो ऑयल्स यूज़ करूँगी, फर्स्ट ऑयल इज़ द विटामिन ई ऑयल एंड द नेक्स्ट ऑयल इज़ द कैस्टर जमैकन ब्लैक ऑयल। ये कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा होता है स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए, ये दोनों बहुत थिक ऑयल्स हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के रिमूवल के लिए। अब डेमो के लिए देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 विटामिन ई कैप्सूल्स ले ली हैं। सो एक टाइम पर आपको इतना ही लेना है, जैसे मान लीजिए इतना पोर्शन है जिस पर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2 विटामिन ई कैप्सूल्स चाहिए होंगे। इन दोनों को कट कर लेंगे हम लोग, आप चाहें तो इसे निडल से भी प्रिक कर सकते हैं। इसका ऑयल मैं ऐड कर लूँगी कुछ इस तरीके से, इस कैप्सूल्स का ऑयल बहुत थिक होता है और ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी रिमूव करने में बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जी ड्रॉप्स का कैस्टर ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपके मार्केट में भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसका आपको चाहिए सिर्फ 1/4 teaspoon और आप इसे ऐड कर लेंगे इस बोल में, दोनों का मिक्सचर चाहिए आपको इस तरीके से, सिर्फ 1/4 teaspoon एग्जैक्टली मैंने इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं इतना सा मिक्सचर बनेगा। तो इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है अपने स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया पर, अब वो डिपेंड करता है, मैंने सिर्फ थोड़े से एरिया के लिए बताया है, आपको खुद समझ में आ जाएगा गाइस जितना स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इतने से एरिया के लिए मैंने बताया कि इतना ऑयल काफ़ी है, क्योंकि ऑफकोर्स इतने से एरिया के लिए इतना ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, पर अगर काफ़ी सारे एरिया पर स्ट्रेच मार्क्स है तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव रेमेडी है ये। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड्स पर स्ट्रेच मार्क्स है, तो मैं इसे किस तरीके से यूज़ करूँगी, मैं इसे अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से इसकी मसाज करूंगी मेरे हैंड्स पर 1 to 2 minutes के लिए, मसाज बहुत ज़रूरी है इसकी इस तरीके से, अच्छे से अप्लाई करके आपको मसाज करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेच मार्क्स वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होगा, हाईली मॉइस्चराइज होगा। विटामिन ई और कैस्टर ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्ट्रेच मार्क्स को, स्कार्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये देखिए इस तरीके से करना है, आपकी स्ट्रेच मार्क्स की विजिबिलिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी। अच्छे से आप इसे मसाज कर लें अच्छी क्वांटिटी में,
बहुत थिक ऑयल होता है ये, तो आप याद रखें कि जिस एरिया पर आप मसाज करें पहले वो क्लीन होना चाहिए। आप इसको नहाने के बाद मसाज कर सकते हैं या फिर आप इसको सोने से पहले कर सकते हैं, पर आपको मसाज करके छोड़ देना है, आपको इस ऑयल को हटाना नहीं है, अच्छे से उसे स्किन में एब्जॉर्ब करा लें। दो तीन मिनट हो गए हैं, मैंने इसे मसाज कर लिया है, अब मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूंगी, कुछ भी नहीं करना हमको इसके बाद, बस इसे इस तरीके से छोड़ देना है। आपको पता है क्या करना है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, उन लोगों के लिए जिनको अभी तक स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं पर आपको लगता है जैसे कि आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर कोई भी रीजन हो, आपको पता है कि आपको इसके बाद स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को, ऑयली स्किन वालों के लिए तो प्रॉब्लम है ही, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, पर ड्राई स्किन वालों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है जितना भी कर सके, मसाज करें, मॉइस्चराइज करें, नहाने के बाद जब भी आप अपने बॉडी पे सोप लगाते हैं या फिर आप कुछ भी बॉडी वॉश लगाते हैं आपकी स्किन हमेशा ड्राई हो जाती है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई होगी तो स्ट्रेच मार्क्स होने के और चांसेस होंगे, तो आपको आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मसाज करना है। आप किसी भी ऑयल से अपनी स्किन को मसाज कर सकते हैं नहाने के बाद, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से, किसी भी ऑयल से अपनी स्किन को प्रॉपरली मसाज करें तो आपको फ्यूचर में स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही नहीं। और विटामिन ई ऑयल से मसाज करना और कैस्टर ऑयल से मसाज करना इतना प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि थिक ऑयल्स होते हैं, इसको अपनी पूरी बॉडी में मसाज नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स के मेन पार्ट्स हैं वहाँ पर आप डेफिनेटली इसे मसाज कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, काफ़ी सारे ऑयल्स होते हैं, जो भी ऑयल आप चाहें बस अच्छे से इसे मसाज करें, या फिर कोई थिक मॉइस्चराइजर्स आते हैं, थिक बॉडी लोशन आते हैं जैसे कि अवीनो के मॉइस्चराइजर आते हैं, वो भी थिक होते हैं, उससे भी अच्छे से बॉडी को मसाज करें, बॉडी को कभी भी आप ड्राई नहीं छोड़ें अपने। सो दिन में एक बार मसाज ज़रूरी है नहाने के बाद। सो गाइज, इस तरीके से आपके स्ट्रेच मार्क्स फ्यूचर में प्रिवेंट होंगे, और जिन लोगों के स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ये रेमेडी फॉलो करें, विटामिन ई प्लस कैस्टर ऑयल वाली, डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क्स 1 to 2 months में हट जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स क्या है, रिमूव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, 5-6 days की बात नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है, डेफिनेटली इसके परमानेंट रिजल्ट्स हैं, चाहे कितने भी पुराने स्ट्रेच मार्क्स हो वो रिमूव हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद है वो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को तो डेफिनेटली क्लिक करना है, और अगर आप चाहते हैं आप सब में से मैं किसी एक पर्सन का नेम मेरी अगली वीडियो में लूँ, तो आपको क्या करना है, बेल बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट करना है डन, ऐसा करने से मैं आप सब में से किसी एक रैंडम पर्सन का नेम पिक करके उसे मेरी अगली वीडियो में ले लूँगी, और मेरी पिछली वीडियो में जिन भी लोगों ने कमेंट किया था डन, उन सबके कमेंट्स मैंने देखे हैं, पर उनमें से सिर्फ एक पर्सन मैंने चूज़ किया है जिसका नेम मैं इस वीडियो में लूँगी, हर नेम इज स्वाति कश्यप, सो शाउट आउट टू यू गर्ल, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइज, मेरी वीडियोज़ पे इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतने सारे लाइक्स करने के लिए, आई लव यू ऑल। तो इस वीडियो में भी आप बने रहिए मेरे साथ, इस तरीके से ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन में क्लिक करके नीचे डन कमेंट कर ले, ताकि मैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नहीं मेरी अगली वीडियो में ले सकूँ, एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।